हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट कोटक नियो में है तो आप उसमें इंट्राडे में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने इंट्राडे में एक स्टॉक्स बाय करके रखा हुआ है जिसमें मैं आपको लाइव मार्केट में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं, प्लस स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा, प्लस उस लगाए गए स्टॉप लॉस कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको उस स्टॉप लॉस का सारा प्रोसेस लाइव मार्केट में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहां पास मैंने मोबाइल में कोटक नियो कैप को लॉगिन किया हुआ है। अब मैंने जो इंट्राडे में स्टॉक्स बाय करके रखा हुआ है वो यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में शो करेगा। तो यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास आपको इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना है। अगर आपने डिलीवरी में खरीदे हुए स्टॉक्स को 1 से 2 दिन हो गए तो आपको इन्वेस्टमेंट में शो करेगा। लेकिन अगर आपने इंट्राडे में बाय किया है, मतलब कि जो भी स्टॉक्स आज ही बाय किया है वो यहाँ पास आपको पोजीशन में शो करेगा। तो यहाँ पास आपको पोजीशन में आ जाना है। तो पोजीशन में आने के बाद आप देख सकते हैं मैंने यूनियन बैंक के स्टॉक्स MIS ऑर्डर में खरीद के रखा हुआ है, मतलब कि इंट्राडे में खरीद के रखा हुआ है। तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो सिंपली उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सेल टू स्क्वायर फॉल बटन में क्लिक कर लेना है। सेल टू स्क्वायर फॉल में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए दो चीज सीखना है। आपको ऑर्डर टाइप में लिमिट या मार्केट प्राइस में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए या तो SL लिमिट सेलेक्ट करना है या फिर SL मार्केट सेलेक्ट करना है। अब वो मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर आप SL लिमिट सेलेक्ट करते हैं, SL मार्केट सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पास स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन मिलता है, और वहीं अगर आप लिमिट प्राइस सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन गायब हो जाता है। वही मार्केट प्राइस में भी है, यहाँ पास हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस नहीं आता है। तो यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन SL लिमिट और SL मार्केट में मिलता है। तो यहाँ पास आपको दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर टाइप को सेलेक्ट करके स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों, आपको याद रखना है जहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस लगाने का ऑप्शन आ रहा है वहीं पास आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कई लोग बिना ट्रिगर प्राइस के ओनली लिमिट प्राइस में स्टॉप लॉस लगाते हैं, जो कि गलत है। कभी-कभी हमारा पोजीशन स्क्वायर अप भी हो जाता है। तो यहां पास आपको हमेशा ट्रिगर प्राइस का यूज करके आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब SL लिमिट का मतलब होता क्या है, जैसे मैंने यहां पास SL लिमिट में क्लिक किया है तो यहां पास आपको सेलिंग प्राइस डालने का ऑप्शन आता है, मतलब आपको लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आता है। और वहीं अगर मैं SL मार्केट में क्लिक करता हूं तो यहां पास आपको सेलिंग प्राइस, मतलब कि लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं आता है। सिंपली आपको ट्रिगर प्राइस बस डालना होगा, जो कि आपको SL लिमिट में सेलिंग प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों डालने का ऑप्शन मिल रहा था, वहीं आपको SL मार्केट में ओनली ट्रिगर प्राइस डालने का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि ट्रिगर प्राइस में हमारा स्टॉक एक्सचेंज को जाएगा, उसके बाद जो भी इमीडिएट मार्केट प्राइस रहेगा उसमें हमारा स्क्वायर अप हो जाएगा। लेकिन SL लिमिट में हमारा ट्रिगर प्राइस में पोजीशन एक्सचेंज को जाता है, उसके बाद हमारा लिमिट प्राइस में हमारा पोजीशन स्क्वायर अप होता है। तो ये दोनों में नॉर्मली डिफरेंस है। तो अभी मैं आपको SL लिमिट में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं। आप SL मार्केट में आराम से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, सिर्फ आपको ट्रिगर प्राइस डालना होता है। लेकिन SL लिमिट में बहुत लोगों को कंफ्यूज होती है, तो मैं पास SL लिमिट में आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी यूनियन बैंक का प्राइस चल रहा है 118 रुपया। अब मैं चाहता हूं जब भी नीचे गिर कर 115 रुपया जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो मैं यहां पर सेलिंग प्राइस में 115 रुपया लिख लेता हूं। सेलिंग प्राइस में 115 रुपये लिखने के बाद आप यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस डालना होता है। तो दोस्तों, ट्रिगर प्राइस हमेशा आपके सेलिंग प्राइस से कुछ पॉइंट बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 5 पैसे का बड़ा हो फिर 10 पैसे का बड़ा हो, लेकिन सेलिंग प्राइस से हमेशा ट्रिगर प्राइस बड़ा होना चाहिए स्टॉप लॉस लगाते टाइम। अगर आप छोटा करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। तो यहाँ पास हम स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस को 10 पॉइंट का बस बड़ा लिखते हैं। तो मैंने लिमिट प्राइस को 115 रुपये लिखा है, तो मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस को 115 रुपया 10 पैसा लिख लेता हूँ। आप चाहे 1 रुपया का भी बड़ा लिख सकते हैं, 116 रुपया भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ओनली 10 पॉइंट का बस बड़ा लिखा हूँ। उसके बाद अब हम यहाँ पास स्वाइप टू सेल में क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पास इस प्रकार से देख सकते हैं मैंने यहाँ पास SL लिमिट सेलेक्ट किया, लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस लिखा और सिंपली स्वाइप टू सेल कर दूंगा, तो हमारा स्टॉप लॉस आसानी से लग जाएगा। अब हम यहाँ पास ऑर्डर में चले जाते हैं। ऑर्डर में आने के बाद आपको जो भी स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो यहाँ पास आपको ओपन ऑर्डर में शो करेगा, क्योंकि अभी हमारा ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा ऑर्डर ओपन है जो कि स्टॉप लॉस के रूप में लगा हुआ है यूनियन बैंक का। तो आप देख सकते हैं यूनियन बैंक का सेल के लिए एक शेयर में हमारा ट्रिगर प्राइस 115 रुपये शो कर रहा है और लिमिट प्राइस हमारे 115 रुपये शो कर रहा है, मतलब किस प्रकार से हमारा स्टॉप लॉस यूनियन बैंक में लग चुका है। तो दोस्तों, आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब अगर आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए यहाँ पास आपको सिंपली इसी ओपन ऑर्डर में आकर एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर मॉडिफाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास प्राइस को मॉडिफाइड करना होगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी इसका प्राइस गिरकर 112 रुपये जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तो मैं यहाँ पास फिर से सेलिंग प्राइस में 112 रुपये लिख लेता हूँ। सेलिंग प्राइस में 112 रुपये लिखने के बाद फिर से हमें ट्रिगर प्राइस को चेंज करना होगा।
ट्रिगर प्राइस को भी हम सेलिंग प्राइस के करीब ले जाएंगे। तो मैं यहाँ पास 115 रुपये 10 पैसा को फिर से 112 रुपये 10 पैसा लिख लेता हूँ। चाहे वो 5 पैसे का बढ़ा फिर 10 पैसा का बढ़ाओ, लेकिन सेलिंग प्राइस से ट्रिगर प्राइस थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पास स्वैप टू मॉडिफाई में क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर इमीडिएट मॉडिफाइड हो गया होगा। अब मैं यहाँ पास बैक जाकर दिखाता हूँ। ओपन ऑर्डर में आप यहाँ पास देख सकते हैं जो कि पहले ट्रिगर प्राइस 115 रुपये 10 पैसा था वो अब यहाँ पास 112 रुपये 10 पैसा शो कर रहा है, और वही हमारा लिमिट प्राइस जो पहले 115 रुपये था वह 112 रुपये शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आसानी से अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, जो कि एकदम सिंपल है। अब मैं आपको अंत में स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाता हूं। तो आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए सिंपली से ओपन ऑर्डर में आकर जो भी आपका ऑर्डर ओपन है जिसको आप कैंसिल करना चाहते हैं उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको रेड कलर में कैंसिल का बटन दिख रहा होगा, उसमें सिंपली क्लिक करके यहाँ पास आपको यस में क्लिक कर देना है। तो आपका पेंडिंग ऑर्डर जो था, मतलब कि ओपन ऑर्डर जो था, वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पास बैक जाकर दिखाता हूँ। बैक आने के बाद आप यहाँ पास देख सकते हैं हमारा ओपन ऑर्डर यहाँ पास कुछ भी शो नहीं कर रहा है। वहीं अगर आप क्लोज ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पास आपको एक ऑर्डर कैंसिल करके शो कर रहे हैं, जो कि हमारा वही स्टॉप लॉस है जिसको हमने कैंसिल किया था वो यहाँ पास शो कर रहा है। तो दोस्तों आप इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके वीडियो को लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।